भाजपा को पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर जीत दिलाने के लिए महिपाल ढांडा दिन रात प्रचार में लगे हैं। लोगों के मिलते भारी जन समर्थन से अब महिपाल लेकर निश्चित नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को ढांडा ने हल्के की डेढ़ दर्जन कॉलोनियों का दौरा किया, मगर हमने को कोई चिंता नहीं है जी। अपने को तो ये है कि लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने इतना जम के लोगों की सेवा की है, एक एक आदमी, एक एक माता, एक एक मेरी बहन है, एक एक हमारा चाचा ताऊ जम के आशीर्वाद दे रहा, जम के आशीर्वाद। सर, यहाँ पर मोदी फैक्टर, मनोहर फैक्टर या महिपाल फैक्टर कौन सा चलेगा सर? मोदी जी तो हमारे सम्मानित नेता है जी, उनका जादू यहाँ नहीं, उनका जादू तो लंदन में भी है और अमरीका में भी है, उनका जादू तो बहुत बड़ा है। मनोहर लाल जी हमारे बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ना आया ना कभी आएगा, ऐसे मुख्यमंत्री की बदौलत ही हमारी ये सब के सब काम हुए हैं। और जब सब काम हुए तो स्वाभाविक बात है कि मनोहर जी का जादू तो यहाँ पे चलेगा। सर, अब साफ पानी देने की बात है, पाइपलाइन दबवा रहे हैं, तो कुछ पार्टियाँ JJP होगी वो कह रही हम RO का पानी देंगे कॉलोनियों, RO का पानी देंगे? अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने RO का तो छोड़ दो, तुमने तो ट्यूबवेल तक नहीं काटा। अपने फादर से पूछो, वो स्पीकर होते थे, उनके फादर जब उस वक्त आए बताए, गरीब लोगों के लिए तुमने कौन सा एक हैंडपम्प लगाया, किसी भी गांव में लगाया हो, जब चल वो बोल देंगे थे। हमारी तो उस वक्त इसराना विधानसभा थी, मगर स्पीकर आप लोग इसराना विधानसभा के नहीं थे, पूरे हरियाणा के थे। बोलेंगे मेरे बारे में, हम तो फक्कड़ टाइप आदमी हैं, सीधी सीधी नीयत के साथ काम करते हैं। चोर हमने, बदमाश हमने, पार्टीवादी हमने की नहीं, कोई भी एक भी ऐसा काम गंदा नहीं किया जैसा जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी पार्टी के लोग करते हैं। सब के सब तो काम वो करते हैं, अब कुछ मिला तो है नहीं, अब और कुछ नहीं कहेंगे तो मेरा घर बन रहा है, बन रहा है, हमारा शौक है, हमने तो पहले भी घर बनाया था, अच्छा बनाया था, रहना है भाई, घर है हमारा, घर बनाएंगे ही हम लोग तो, और घर नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे। अब हम लोगों ने घर बनाया, घर बना रहे, तो भाई तुम लोग मेरे घर का राजनीति से क्या संबंध? तुम उनसे भी पूछो कि भाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम उनसे भी पूछो कि भाई तुम्हारा करेक्टर कैसे हैं, तुम उनसे भी पूछो कि भाई तुम लोगों की वजह से लोग परेशान क्यों हैं। आप एक एक चीज पर अगर मैं बोलूँगा, अगर मैंने एक जुबान खोल दी तो उनको नाम नहीं याद आ जाएगी। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।